हर पहरी लाल प्रवृत्ति कर्म दंडाया बलराम जियो वाणी ब्रह्मा वेद कर्म दिदो पाप तजाया बलराम जियो हर पहलड़ी लाभ प्रवृत्ति कर्म दाया बलराम जियो वाणी ब्रह्मा वेद धर्म दिदो पाप तजाया बलराम जियो जिन्हें संत महात्मा जी ने चाहे उन्हें दा बाहर दुनिया के कमाने कोई अलग नहीं है ना वो काम मग बनाते ने ना ही करो ना वो कारदार छिदाते ने ना बाल बच्चे छिदाते ने ना उन्हें खुश होते ने उन्हें दस मतलब यह होता है कि दुनिया के जीव सुख के आराम में असल की बसर करते हुए अपने मर्द का मिलाप कर लें और उनका कोई मतलब नहीं उन्होंने असल मतलब यह होता है कि इस दुनिया भी सुख के आराम में बसन के मर्द का मिलाप कर लें गुरु रामदास साहब दियां लिखी हुई लामा ने जिसे असी अक्सर शादी के मौके पढ़ते हैं वो दसते हैं कि किस तरह असि ऋषि कहते हुए मार्ग की प्राप्ति कर सकते हैं इस तो पहला तो हम भी हिंदुओं में आम रिवाज ये कि पहले देवी देवतों का पूजन करते हैं उसके बाद लड़के का बतौर ब्रह्मचारी पूजन करते हैं फिर अग्नि देवता वगैरह का पूजन करते हैं उसके बाद लड़किया लड़की के कौल और करार होंगे शर्त होंगे इन असूलों तुम कह करा जो आम ब्याह शादी देखे होना है वो चूड़ियां चढ़ा देने उन्हें पता कुछ नहीं देखी है चूड़ियां चढ़ा देने और कुछ नहीं उन्होंने आप पता नहीं बेचारे में की चीज है उसके बाद अगली देखे फेरे दे देंगे ने फिर चौथी लांग करके ब्याह खत्म कर लेकिन संत महात्मा जी कांत की हुए ने खासकर गुरु रामदास ने देवी देवता की बजाय वो जिंदा राम वो शब्द गुरु जिंदा ताकत जी सारे हायर ताकत है उची तो उची ताकत है उन्होंने हाथ नाल संत के शादी के कौल करा कराया वैदिक धर्म के मुताबिक पहला ब्रह्मचर्य फिर वृद्धाश्रम फिर बाणप्रस्थ उसके बाद संन्यास मिला लेकिन कामल संतरण कबूल नहीं किया क्यों पता नहीं कहड़े वेले मौत आ गए कद उन्हें बाणप्रस्थ गया कद संन्यास गया कद भर्ती की बच्चा पैदा नहीं होंगे जो मर जाता है कोई पता नहीं उन्हें शुरू से भर्ती दे लाया ब्रह्मचर्य ने उन्हें कबूल किया वृद्धाश्रम कबूल किया लेकिन बाणप्रस्थ संन्यास में घर बार छोड़ने कबूल नहीं जेड़े जेड़े घर बार छड़ के गए अक्सर धोखे चा गए मन तो हर जगह साफ है वो कोई ना कोई दुनिया नवी खड़ी कर लेंगे श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तक किया सोच लो 88,000 साल तक किया फिर थोड़ा मिहार नहीं हूं जंगलों किसी बीबी ने देखा जब बीबी सामने आई तो मरिया गया विश्वामित्र ने 60,000 साल तक किया जब अंतर के सामने आई तो मारा गया रात के पूर्ण योगी होके आया जब दीदी सामने आई तो मारा गया अगर वृष्ठ संदे वृष्ठ दर्द त्याग कर दे तो क्यों मारे जाते असली त्याग किया त्यागना त्यागना निका काम को लोम होकर त्यागना एक त्यागना चीज भी कोई पी है उधर ख्याल ना जाए यह ना असली त्याग है जंगलों गया छपरी बना ली बैठ के तपस्या करने लग गया मिर्गनी आने लग गई मिर्गनी ने प्यार कर गया जब मरी मर गया मिर्गी जमी मिली तो फिर बाल बच्चे चंगे तो मिर्गनी ने प्यार चंगा इसी तरह मन तो यह त्याग नहीं उन्हें रिश्त रेंदे हुए त्याग सिखाया
पेपर हर पैलड़ी लाव प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो वाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो पाप तजाया बलराम जियो। हम दो किस्म के कर्म ने एक प्रवृत्ति एक निवृत्ति। प्रवृत्ति वो है जिदे विच असीं दुनिया च पाते हैं दुनिया च रहने जिन्हां कम्मां नाल इहदे विच शरीरक भी आ जाते हैं घरेलू भी आ जाते हैं समाजिक भी आ जाते हैं राजनीतिक भी आ जाते हैं मुक्ति के भी आ जाते हैं सारे आ जाते हैं कि इस तरह रह दुनिया ना उस विच प्यार ना रहन सारे इहदे विच आ जाते हैं। जिहड़ा है निवृत्ति वह निरोग बैराग का काम है। हुण प्रवृत्ति और निवृत्ति इत्थे दोनों ही सिखाए जाते हैं कि दुनिया च रहिंदे होए किस तरह असीं बैराग करना है दुनिया च बसाने वाले कौन है एक काम प्रॉब्लम का जिन्ना काम करते हैं इन्हों का करते हैं यही फसाने वाले ने यही चोर ने यही ठग ने यही दुश्मन ने इन्हों से असं कम लेना सी लेकिन इन्हें अधीन हो चुके हैं लेना से इन्हें कम लेकिन इन्हें अधीन हो चुके हैं। हम जो नाम है वह रूहानी मंडलों का बादशाह है काम दुनिया के बादशाह इधर उधर दुनिया नहीं चलती दोनों के राह अलग अलग ने जहां काम तहां नाम नहीं जहां नाम नहीं काम दोनों कभू ना मिले तब तक नहीं काम। वीर साहब ने काम ही कभू न गुर भजे मिटे न संसे सूल और गुना सब बख्शियो काम ही डालना हो। काम का दायरा बहुत लंबा है। वीर साहब कहने ने काम काम सब कहे काम न चीने कोय जेती मन की कल्पना काम कहावे सोए जिन्ने कल्पना ने जिन्ने स्वाद ने सब काम ने सब पाप ने। उन्होंने पापा के बचन के लिए सानू की करना चाहिए है वो कि पा ने किस तरह अस बचिए कहते ने कि असूल धर्म के असूल जेड़े ब्रह्मा विष्णु शिव ऋषि मुनिया ने ग्रंथ शास्त्र साडे वास्ते लिखे ने उन्होंने असूलों से चलना चाहिए। आम जी धर्म की व्याख्या बड़ी गलत ली जाती है। धर्म के पिछे तो दुनिया लड़ लड़ के मर गई खून खराबे हो गए लेकिन धर्म की असली चीज में समझ ही नहीं भी है कि चीज असली धर्म तो इसने कहा आप सभी प्रेम करना ही वड्डा धर्म है। कृष्ण भगवान दे वक्त की गल है जब करण ने युधिष्ठिर दी फौज नूं तबाह ते बर्बाद करता तां युधिष्ठिर ने अर्जुन नूं बुला के लानत मलामत की थी धनुष नूं बुरा भला कहा उन्हें जो तीर कमान खिंच ली मारन लग्या कृष्ण को खड़े से पूछा भी की करदा है कहना मारन लग्या क्यों अरे मेरा पर्ण है कि जेड़ा मेरी धनुष नूं बुरा भला कहूगा मैं उन्हें मार के छड़ूंगा क्योंकि पर्ण ते पक्का रहना क्षत्रिय का धर्म है इस करके मारन लगे मैं धर्म के असूल से परे नहीं होंगे। कृष्ण भगवान ने कहा कि तू मार के सुखी रह सकता है कहना नहीं कहना धर्म का मतलब असली यह है कि सुख प्राप्त होंगे यह मतलब यह है तू धर्म नहीं कर लगे धर्म कर लगे है। देव व्यास ने किसी ने पूछा कि महात्मा जी मैंने धर्म की असली व्याख्या दसो कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है ताकि मैं अपने जिन्ने कर्म ने सब धर्म के मुताबिक कर सकता। वो कह लगे एक मोटी जी गल समझ ला जी धर्म की है क्या कि जेड़ा तू चाहना लोग तेरे ना सलूक कर तू उन लोगों ने वह सलूक कर बस इन वाला कोई धर्म नहीं तू सलूक कर। लेकिन गुरु साहबान ने की किया सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर का नाम जप निर्मल कर इस मुकाबले कोई नहीं कर्म एक नाम कृपा निधि जाई जप सब पाए ताके सम ये भी वेद बतावे इस मुकाबले कोई नहीं नाम जपने के मुकाबले च कोई कर्म नहीं ये वड्डा कर्म है। हुण असीं दुनिया भी चलानी है नाम भी जपना है मालक नूं मिलना है। हुण कहे असूल ने जिहड़े वेदां शास्त्रां संतां महात्मां मुकर कीते ने जिन्हों के मुताबिक चलना है दुनिया प्रवृत्त करना है
सानू अखलाकी तालीम नहीं दी जाती। पहला पहले जमाने दी जाती थी, हुण बिल्कुल ही भुला छड्डी है। पहला असूल यह है कि शादी विशे वकारां वास्ते नहीं। आम तौर पर यही समझा जाता है कि शादी विशे वकार अच्छा खाना अच्छा पहनना अच्छा मन पाउंदे मर्ज करने विशे भोगने ऐशोशरत करनी यह समझा जाता है। इस करके क्योंकि ये समझते ने इस करके जिस वक्त शादी होंगी है ये चंगे चंगे खाने पीने विशे वकार ऐशोशरत पाया जाता है। मगर जल्दी उसके नतीजे सामने आ जाते हैं, क्या कमजोरियां बीमारियां खर्च ज्यादा आमदन कम। फिर चाहता है कि मैं छड़ा मगर फिर छड़ नहीं सकते कदा फसिया फिर नहीं छड़ सकता। ये तो फिर जितनी कोशिश करता उन्नी अग होर भड़कती है। कबीर साहब ने कहा नारी पुरुष सब ही सुनो ये सतगुरु की साख विश्वस वाले अनेक हैं मत कोई देखे चार कहते नेड़े ना हो छेती छेती। महात्मा चरणदास कहते ने सारी दुनिया इन्हें भोगे फसी पई है। इन्हें भोगे नतीजा की है कि भैड़ी भैड़ी दुनिया जाता जो दम जग के माही इंद्रन के बस रहे पीठ जून के माही जन सुल है। कबीर साहब ने इतने तक लिखा है ना पराई अपनी भोगे न के जाए आग आग सब एक सी हाथ दिए जल जाए। फिर उन्हें की करना चाहिए था शादी होके भी इस तरह रहना जिस तरह कभी शादी हुई नहीं पवित्र ख्याल नाल दो तीन बच्चे हुए उस तो बाद फिर ऐसा रिश्ता तैयार कर लेना जिस तरह भैन और भरा का होंगे। अगर ये नहीं करते तो जिंदगी अजाब हो जाती है बच्चों की जिंदगी अजाब हो जाती है। ना बच्चे चाहना पलते ने ना उन्हें चाहना परवरिश होंगी है बीमारियां अड खादिया ने कितने करजाई हो जाता है सारा दिन चिंता फिक्र लगी रही दुनिया का हाल तो देखो सारा दिन चिंता फिक्र लगी रही है। भजन तो नेड़े नहीं खड़ता सोच लो भजन नेड़े नहीं खड़ता। फिर जिम्मे फरीद साहब ने लिखा फिर यह हालत हो जाती है जा कुआरी तो चाहो जा ही तो मामले फिर तो यही पछताओ बस कुआरी ना थी। जिन्होंने सच्ची जिंदगी असूलों से चल के सच्ची जिंदगी हासिल की है वो सुख आराम में चले गए जिंदगी बसर कर देंगे बाकी सब तक तक के दुनिया मरती पई है। यही स्वामी राम तीर्थ ने एक जगह लिखे है कि जब तक हिंदुस्तान के स्त्री और पुरुष आस विच ही भैन और भरावान की तरह रहना नहीं सीख जाते जब तक हिंदुस्तान का कल्याण नहीं। अजकल तो गवर्नमेंट भी जगह जगह कोशिश करती पी है जगह जगह लिखा पे है फकीर तालीम तो पहले यही है दो तीन बच्चे घर भी होंगे ने अच्छे कम संतान सुखी किसान मगर इस तरह नहीं लिखे तो कुछ नहीं बनता। जब तक इखलाकी तालीम नहीं कुछ नहीं बन सकता। तालीम तो सू मिलती है जो विषय विकास पड़ताती है फिर कितों काबू आवे। दूसरा असूल की है कि स्त्री आदमी की वजीर है सलाहकार है दोनों सलाह ना कम कर प्रेम प्यार ना रह। अगर दोनों प्रेम प्यार ना सलाह ना कम करते ने तो भाती कोई हानिकारक नहीं होता कम रंका बंका दो स्त्री का पुरुष जी उन्हें लकड़ियां बेचनिया अपना गुजारा करना एक दफा नाम देव क्योंकि भक्तों की हालत है कुछ गरीबी दी होंगी इधर ख्याल ही नहीं करते दुनिया तो समझे गरीब ने लेकिन उन्हें अंदर कुछ और चीज होंगी है। एक दफा नामदेव ने मालिक अगर बेनती की कि तेरे भगत ने भुखे मरते ने जब इन्होंने रोटी नहीं मिलती तो उन्होंने कोई बंदोबस्त कर। वो कहना मैं तो दिना वो लैन नहीं तैयार नहीं कहना क्यों नहीं लेंगे कहना चंगा कल जंगल जाए तो देख ली। अगले दिन वो गए तो रंका अगे जाता पे अगे एक मोर मिली तो पैर ना ढकन लग गया बंका ने पिछले देखा कहन लगी की करता है ए कुछ नहीं उन्हें तो कह बंका ने देख लो इतने चार ना जाए कहन लगी कुछ तो करता ही है अगे मोहर पाई से मैं ढकन लगे भी तेरा जी ना चार वो कहन लगी अगे सोना ही मिट्टी तो भी मिट्टी 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 में ढकन का की फायदा। अगे गए तो जंगल की देखते ने लकड़ी के गठे बनने पाए
उन्हें फिर जंगले किसे और ने ले लिया। अपने तो कमरे नहीं रहा, रात में आए भुखे सौंगे, कहने लगे आज मोर देखियो तो नतीजा ये है कि मैं खराब कर दिया है। देख रही चक लेंगे पता नहीं की हाल कर दी। कहने कबीर पास एक आदमी आया, कहने लगे अभी तू राम किमें पाया। कबीर साहब कहने लगे लोही, कहने लगे लोही इधर आ, लोही आ गई। कहने लगे लोही लिया मिट्टी, वो मिट्टी ले आई, अगर लिया आटा वो आटा ले गया, दोनों ने मला दे मलाता, अगर लिया की वो की जाएगा, अगर लिया पीछे पा दे वो पाता, अगर लिया पानी अगर गुन उन्हें गुनिया, अगर जा सीटिया बाहर वो बाहर सीटी आई। कहना है पाया भाई जिमदार ने कहा तो सखाला जी कम है, ये तो सखाला ही हैराम पाना। घर गया उसने कहना लिया मिट्टी, वो मिट्टी ले गया, लिया आटा वो आटा ले गया, दोनों मला दे, अगर जी मत मारी है। अरे प्रेम प्यार ना, एक शाह शुजा बादशाही खानदान चो अमीर आदमी सी, वो एक लड़की सी, लड़की खूबसूरत सी, वो भगत सी। बादशाह ने लड़की देखी, कहने लग गया इहदी शादी मेरे ना कर दे, मेरे ना निकाह पढ़ा दे। वो कहने लगे चंगा है, मैंने तीन दिन की मोहलत दे। उन्हें तीन दिन की मोहलत दे दी, तीन दिन बड़ा नठिया भजया, उन कोई आदमी ना मिले। तीसरे दिन शाम नो वो मस्जिद च गया, एक फकीर नमाज पढ़ता सी। जब नमाज पढ़ के हटिया उन कहन लगा तू शादी करानी है। कहंदा मैनू आखिर कौन लड़की दिंदा, मेरे पास की रखे है, आखिर तू शादी करानी है। अरे शादी तो मैं करा ला, पर मेरे पास है कुछ नहीं, मेरे को तीन पैसे ने सिर्फ। कह तू शादी कराने तो दस, कहने शादी तो करा लू। कहने चंगा कर फटाफट जा बाजार, एक पैसे की लवान लिया, एक पैसे की रोटी लिया, एक पैसे की शक्कर लिया, मैं तेरे हुणे निकाह पढ़ा दूंगा। वो आया निकाह पढ़ाता, लड़की लैके वो अपने जंगल चले गया। छपरी जब गया तो हम लड़की की देखती है, एक पास एक रोटी का टुकड़ा पे छोटा जा। उन्हें पूछा ये की, अखे मैं कल वास्ते रख लिया, कल खा दूंगा। वो बड़ी नाराज हुई, जब नाराज हुई तो कहने लगे मैं तो पहले सोचता सी कितने अमीर आदमी शाह शुजा की लड़की मेरे नाल कद संबंध रह सकता। कहने लगी मैं इस करके नाराज नहीं हुई मेरे बाप ने पता नहीं तेरे नाल किवें शादी करती। उन्हें ख्याल सी मैंने 20 साल पालिया कि मैं उन्हें शादी करूं जो भजन बंदगी वाला हो, जिन्हों मालिक पर भरोसा हो। तेन तो भी भरोसा नहीं मालिक कल रोटी दे दू, तेन तो भी भरोसा नहीं मालिक कल रोटी दे दू। इसी तरह एक होर सूफी सी, ग्रिस्ती सी, उन्हें कोई कर्जा कुर्जा लेना सी, वो बाहर जान लगे कई महीने लगने, और कहन लगे कि मैं तेरे वास्ते राशन का की इंतजाम कर जा। वो कहन लगी जब तक मेरी उम्र है जब तक का कर। वो कहन लगे मैंने तेरी उम्र का की पता है, खबर किन्नी का। कहने फिर रोटी भी तेरे हाथ नहीं, रोटी भी तेरे हाथ नहीं, वो भी मालिक दे हाथ है। जब वो चलिया गया तो एक बुढ़ी कहन लगी देख बीबी तेरे ना बुरा की बुरा हाल कर गया, तेन चाहे रोटी का भी इंतजाम नहीं कर गया। वो तो खुश होकर चलिया गया। वो कहन लगी माई अगर वो तो खाने वाला से देने वाला तो हूं भी मेरे नाल है, अगर इस तरह का आपस में संबंध हो गए तो भगती कोई हानिकारक नहीं, कोई बिघन नहीं पैंदा। लेकिन आम दिने का हाल की है, वह बेचारा कमांदा मर गया, वह रोटी पकाती मर गई, कदे लड़का हो गया कदे लड़की हो गई, कदे मर गया कदे जम पिया, कदे बीमारियां हो गई। वह कहना तू चजना नहीं कमांदा, वह कहना तू चंगा खर्च नहीं करती, चीज घर का कलेश इस तरह सोच लो। तीसरा की है हक लाल की कमाई ताकि किसी बोझ ना बने, जहा जहा खाऊगा वह जैसे पौगा, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी पानी सोए। मैं सुनाया करते सी एक फकीर सी, उन्हें एक बच्चे का गल कट लिया, वह हार ला लिया। जब बादशाह पेश होया तो बादशाह देखिया कि फकीर तो कमाई वाला सी, गल की है।
उन्हें पूछे तो रोटी कितने खाधी सी, कहने लगा पट्ठी तो दाने लैके चबे से। पट्ठी वाले ने बुलाया, वो कहने लग्या कसाई दे करदाना आया सी, उहदे विच मैं मुट्ठी दाने दित्ते। कसाई दे करदाना उहदे गया तां बच्चे दा गला कट लिया, उहने हार ला लिया, ये खुराक दा असर है। अजे बोल कलंदर कहंदे ने बगैर पाया ते लुकमा यादव ते हलाल ता ने फजाए तुरा रंजो मलाल, कि बंकी दे वास्ते हक लाल दी खुराक खानी चाहीदी है ताकि कोई अंदर रंज दुख तकलीफ ना आवे। लुकमा शवा तू उफत दर शिकम कुबते ओ मैं कुनर शरिस का कम, जे हराम दा लुकमा पेट जांदा तां बंकी दी ताकत कम हो जांदी है। गरखुरी यक लुकमा अज वजह हलाल नूर ताबत बर दिल अज मेरे कमाल, अगर तू हलाल दे इको लुकमे ते सबर करें तो तेरा दिल नूर नूर हो जाए, मल दे नूरी चेहरा दिखाई देने लग जाए, तेन रस्ता मिल जाए। पराया खा के किसी ने भजन नहीं किया, जरूर रोजाना देना पैंदा है। ये एवं नहीं है दुनिया तो माहौल बना छड़िया भी तेने की है खाण की पे है। गुरलाने की गल है, असि उत्थे होंदे सी प्रेमी पहला जो लै गया सी, उन्होंने एक मैच से मैच के सिर कीड़े पै से, बड़ा इलाज कराया तो ठीक ना आया। और फिर डॉक्टर ने कहा कि इन गोली ना मार दे, हो तो कोई इलाज नहीं। भाई गोली वाले ने ले आया, फिर वो कह लग्या चल अपना मसान जी तो पूछिए। मसान जी उन्होंने उत्थे सी दराणी, वो आया कह लगे जी इस तरह गल है, हम गोली ना मारन लगे हैं। मसान जी कहन लगे गोली ना तो मार दोगे, वो कर्म कौन चुकू जो उन्हें भुगतने ने, फिर की करिए चंगा असि देखांगे। दो तीन दिन बाद बाहर अस गए तो मसान जी कहन लगे चल मैनेजर उदन वो देखी मैच। असि जब उत्थे गए तो मसान जी कहन लगे क्यों मैच ने जल सिर चक्या। अस पूछा जी ये की, कह लगे ये पिछले जन्म से साधनी, इन असि बहुत क्या पराया माल ना खा, ये लोगों का माल तल तल के खाती सी, अस कहते देना पऊ। हुण वो कीड़े बने तो इन खाते ने जिवें लुट लुट के खाधा, ये तकलीफा पाउंदे उस तरह। पराया खाना आसान नहीं, गिरी का टुकड़ा बुरा नौ नौ उंगल दांत, भजन करे तो उपरे नत्र काड़े आंख। ठीक कबीर साहब ने लिखा, गुरु नानक साहब न मल पागो ने भोजन से बुलाया, दान दान नान सिंह माए हां मैं तो हम लोग पूरी उन्होंने मारे लगते सी, क्यों लालो तरखान की कोदे की रोटी खाधी। फकीर दी पहली तालीम यह है कि हक लाल की कमाई होवे, काल खाए तो छत्तों दे नानक राह पछाने से कोई ना बैठन दे। पहला हक लाल की कमाई है पहली तालीम है हक लाल की कमाई है। गुरु नानक साहब ने खेती बाड़ी की थी। चिश्ती साहब खेती बाड़ी करते रहे, उन्होंने मतलब तो यह आता है एक दफा कहते गाय ले जाते रस्ते च एक मसीत आती सी। मसीत के मुला की करते ने वीरवार वाले दिन रोटी मंग लिया ने, कुछ खा लेंगे ने, कुछ जी बाकी होंगे ने उस पास को रखते ने। हूँ वो रोटियां सुकनिया पैलों ने मूह पा लिया। जब बैलों ने मूह पाया मैं भी कह लग्या तू अन्ना तेन दिखता नहीं बैल रोटियां खाते ने, रो पिया। कहना रोना क्या मेरी गल का जवाब दे, कह तेरी गल ना तो मैंने रोना चंगा क्यों। कहना हराम का माल खा गए, कहना फिर तू तो नहीं खादा हराम का, इन्हें नहीं खादा। कहना बैल भी तो मेरे ने, अगे हलाल की कमाई खाते सी, बड़ी मेहनत ना कम करते सी, हूं इन्हें तो कम नहीं होना। उन्हें तो इतने तक रखे परेज। कबीर साहब ने
पाना मुंडे रहे, नाम देव कपड़े रंगता रहा, रुदा जुतियां कटता रहा, पाया तो की खाना सी रविदास ने। उन्हें पास एक फकीर आ गया, वो कहन लग गया कि रविदास तू तो भुखा मरदा है। कहना नहीं, मेरे को बहुत कुछ है। अगर नहीं, अगर मेरे पास पारस है, तू लोहा लिया सोना बना ला। कहना नहीं, मेरे को बहुत कुछ है, मैंने जरूरत नहीं। कहना नहीं, वो भी हट करन लग गया। कहना मैं उन्हें जाना सी तीरथ से। कहना चंगा तू तीरथ से जाया, इतने रख जा। कितने रखा गया? छप्पर चटंग जा। वो छप्पर चटंग गया, जा के देखा उस तरह रविदास बैठा है। वो तो समझे सी बड़ा अमीर आदमी हो गया हूं, सोना बना बना के। जरा के पूछया, अगर पारस कितने आखिर जिथे दूर आ गया उथे है। उतो चक लग गया। तो जिन्हें फकीर हो सब ने हक लाल का खाधा। गुरु गोबिंद सिंह वक्त का जिक्र है, उन्होंने पास करोड़ा रुपया खजाने पाए से चढ़ावे का पूजा का तान आया हुआ। माछूवाड़े का जंग लगे, सिखा मुठी मुठी छोले देंगे ने, लेकिन जोड़ा रुपया से वह दरिया चुड़ाता। माता ने पूछया कि वो तो भुखे मरते ने, तू रुपया दरिया चुड़ाता है। कह लगे मां पुत्र कद जहर दी है। एक पूजे का तन एक जहर है। मैं अपने बच्चों, मैं संगत न यह नहीं खिला चाहता। क्यों? धर्म साहब की चाक है जो पूरे खंडू पाश। कहने जो पूजा तन है यह खंड च लपेटी हुई जहर है। अगर हक लाल दिखावे ये अंदर कुदरती बरकत पैदा ने, घर च भी बरकत पैदा ने, नाल भगती करे फिर तो कोई ठिकाना ही नहीं। कुबा कुमार राजस्थान च होया, पत्नी दोनों से दोनों ने एक बर्तन रोज का बेचना ते अपना गुजारा कर लेना। 30 बर्तन महीने च बनाऊंगे। एक दफा की गल हुई कि कुछ यात्री आ गए। यात्री पिंड के कोल उतर गए, उन्होंने राशन मंगया। सारे कहन लगे भी साढ़े कोल तो किसी को गुंजाइश नहीं, अगर देवे तो देवे कुबा कुमार बेशक दे। वो कुबे को गए। हम कुबे ने देखा मैं की करा, पड़ोस के बीच शाहूकार से। उन्हें कहने लगे मैंने ना राशन दे दे, मैं तेरे पैसे उतार। वो जानता सी भी गरीब भी है लेकिन सच्चा भी है। वो कहने लगे चंगा राशन तो मैं दे देना, मैं खूह लाना, तू मेरा खूह ला दे। कहने चंगा, उन्हें राशन देता, यात्रियों ने खाधा अपने चले गए। वो खूह लाने लग गए। वो पत्ते ते और मिट्टी चक चक के परे सिटे, आखिर पानी मिठा निकल आया। जिस वक्त तो सफाई करता सी, सफाई करते करते खूह गिर गया, बिजदा गया। हुण औरत रोंदी है लेकिन कदर दी हिम्मत किसी की नहीं। सब कहने तेन राशन देंगे, तेन ये करांगे, तेन वो करांगे, पर जिहड़ा वो हक लाल का स्वाद है वह थोड़ा मिलता। कहन लगे आखिर साल निकल गया। उस बाद यात्री होर आ गए। यात्री नजदीक ही उतरे कि उन्हें देखा वह भगती करता हूं, खड़ताल बजा कीर्तन करता। खड़ताल की आवाज आई है आले दुआले सारे देखे, कितना पता लग गया। फिर आवाज के पिछे चले, देखे इस खड्डे चो आवाज आनी पी है। पिंड अगले दिन पिंड दसिया, पिंड कहानी याद आ गई। सारे ने देखा वाकई इतने आवाज आती पी है। बादशाह तक खड़ पहुंची। बादशाह ने आके फिर खूब खुदवाया तो उस तरह निकला। ये हक लाल की कमाई की बरकत ने, यह भजन दरकत ने। नासरुद्दीन महमूद मुसलमान बादशाह होया, बड़ा इंसाफ पसंद से, हक लाल की कमाई खाता से, खजाने चो नहीं खाता से। की करता से? कुरान शरीफ या होर मजहबी किताबा हाथ ना लिखता। एक नौकर रखे से 2 रुपए महीने, उन्होंने कहना भी इन्हें बेच आया, पर यह ना किसी ने दसी बादशाह की लिखता। जे दसिया गया बादशाह की लिखता लोग ज्यादा पैसे देंगे। वह बेच के लिख के वह ना गुजारा करता और खुद रोटियां पकाउंदी। एक दफा उन्हें स्नेहा आ गया नौकर नूं, बई तू घर आ,
उन्हें बादशाह ने किया, बादशाह कहने लग गया कई महीने तनखा खड़ी सी उदी खजाने का बथेरा पिया है, उन्हें तनखा भी उतो नहीं दी। कहने लग गया तुम्हारे ठहर हो ठहरा महीना दो महीने, आखिर कहने लगे मैं जाना है। बादशाह को उसने कर पिया कहने लगे ये लै जा हक लाल की कमाई का अल्लाह एक बरकत पाऊ, लैके तुर पिया। हूँ सोचता है भी ये मैं की लै जा। अगे देखा एक जगह अनार बड़े सस्ते ने, उन्हें क्या होर तो कुछ नहीं अनार लै जाना एक एक सारे फड़ा दू मैं हो करा। उन्हें रुपए के अनार लै ले, एक पंड तकरीबन बड़े सस्ते होंगे सी, पंज पैसे पंसेरी पैसे खरीदे ने इस जमाने छोट जद नाभे। तो पंड लैके तुर पिया, अगे राजस्थान के जाता सी तो अगे मनादी होंगी पई है क्या कि उत्थे दे बादशाह दी औरत दी मार सी, बड़े इलाज कराए पर इलाज ठीक ना आया। एक हकीम आ गया, उन्हें कह भी इलाज तो हो सकता है पर इलाज यह है कि अनारा का पानी किसी खास मिकदार से दिता जाए। बादशाह ने पाई सी कि एक एक अनार का 100-100 रुपया देने मैं तैयार हाँ तू दे। हूँ उत्थे अनार होंगे नहीं सी, उन्होंने गड्डिया चलदिया नहीं सी, कुछ होर नहीं सी। हूँ जब उन्हें मनादी सुनी इन्हें जाके पंड अगे रखती 100 के उत्ते अनार, कोई 10-12 हज़ार रुपया हो गया। बादशाह ने नौकर दिते जाए घर पहुँचाया, पैसे भी दिते। फिर उन्हें याद आया हक लाल की कमाई के कुदरती बरकतां ने, करा जी देख लो करके कुदरती बरकतां ने। हक लाल की कमाई कदे नहीं खुलती, उन्होंने खानदान बन जाते हैं, दूजे के 4 दिन बने 4 दिन तबाह हो गए। और मालक की रजा च रहे, दुख सुख अमीरी गरीबी मालक की रजा च रहे। हाय हाय ना करे बच्चा जम पिया तो कोई खुशी नहीं, मर गया तो कोई काम नहीं, नहीं तो हाल यह है जमया मरिया मरिया फिर कहता हाय हाय सारी उम्र लग गया रहा है मर गया है मर गया। वो तेरे को भी तो कितों आया सी सोचो। फिर चलिया गया पैसा आता जब इधर आता इधर जाता इधर आता इसे तरह हाल है। ये लेने देने के संबंध ने मालक की रजा च रहे, दुख सुख करते तुरल पाया दूजा पाव आ बरताया, गुरमुख होए सो लिप्त वरते मनमुख का क्या विसार है। कि दुख सुख मेरी गरीबी तंदुरुस्ती बीमारी ऐसी कर्म दे सामने लिखा के ले आया। मालक की रजा च रहे, ये ना कह फलाना इन्ना कमा गया मैं गरीब रह गया मैं फलाना उसे तो अमीर है जेड़ा नाम जपता है। ये दुनिया चलाने वास्ते नहीं इत्थे आए असीं, भोग भोगण वास्ते नहीं आए। ये जन्म तां ये तां कम असीं हर जून च कीते, सोच लो बाल बच्चे हर जून च कीते, खादा पीता हर जून च, सोच लो ये तां मर्द दी भगती वास्ते अपने जन्म मन दे छुटकारे वास्ते है। हाँ जी फिर हाँ जी। हर पैलड़ी लाव परवीरती कर्म बिरडाया बलराम जियो, बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो पाप तजाया बलराम जियो। धर्म दृढ़ो हर नाम त्यावो सिमरत नाम दृढ़ाया, सतगुर गुर पूरा अरादो सब किल विख पाप गवाया। जब इंसान अपना चाल चलन ठीक रखता है, हक लाल की कमाई से गुजारा करता है, नेक ख्याल रखता है, तो जरूरी तौर पर मालक की बंदगी का ख्याल पैदा होता है। फिर कोई जब तक पूजा पाठ भी करता है, जब इन पता लगता है फिर किसी काम फकीर भी ढूंढता है, उतो नाम जपना सीखता है, जी असली भगती है वह सीखता है। ज्यों ज्यों उन्हें दसे तरीके नाल ये नाम जपता सतगुरु अगे बेनती करता है, तो जिहड़े इहदे विशे विकारां दे ख्याल ने होर पुराने पाप ने वह आहिस्ता आहिस्ता कम करते हुंदे जांदे ने। जे थोड़ा भी करता है तां भी रोज रोज दे जिहड़े रोज पाप करदे आं असीं अनासुरती हो जांदे ने वह चढ़ते जांदे ने। हजारा पाप करते सानू पता नहीं, हजारा साधे रास्ते जीव अंदर जाते ने, हजारा बाहर मरे आते ने, देख लो हजारा टिट्टी पेशाब नाल मरते ने, हजारा चलते फिरते मरते ने, यह बच नहीं सकता। एको ही तरीका है कि नाम जपना ही इनू कम करता, और कोई चीज नहीं। हाँ जी।
कर्म दृढ़ो हर नाम ते आवो सिमरत नाम दृढ़ाया सतगुर गुर पूरा अरादो सब किल विख पाप गवाया सहज आनंद हुआ वड पागी मन हर हर मीठा लाया जन कह नानक लाव तली आरंभ काज रचाया साहब कहते ने एक परमार की पहली पौड़ी है जिदे नाल के सहज आनंद की प्राप्ति कर सकता है मालक प्यारा लगता है मिठा लगता है मालक नूं मिलन दा शौक पैदा हुंदा है सहज आनंद कित्थे है त्रिलोकी ते पार चौथे लोक त्रै गुणा में सहज न उपजे त्रै गुण परम पुलाए कड़ी गुणी के कथी जो मुर्दा कुथा जाए चौथे पद में सहज है गुरु कले पाए मगर कहिंदे उच्चे भागा दा नतीजा है कोई विरला है सहज आनंद होया बदभागी कोई विरला ही है जो इस मंजिल नूं पकड़दा इस राह नूं पकड़दा बगैर मग की मेहर ते बगैर चंगे भागां दे पूरा साधु भी नहीं मिलता दुर्लभ दर्शन साध का दुर्लभ गुरु उपदेश दुर्लभ करना कठिन है दुर्लभ पास लेख कहना साधु मिलना ही औखा है दुनिया के साधु ना परी पई है मगर कामल साधु कोई विरला विरला ही है फिर नाम का मिलना मुश्किल है फिर वो जपना मुश्किल है हजारा रुकावटें पैदा ने फिर ऐसा कर्म अगे आ जाए पहले राह नहीं पैदा है कोई विरला है बड़े भागा आला जिन्हों रास्ता मिलता है हर गुजड़ी लाव सतगुर पुरख मिलाया बलराम जियो निरपो पै मन होए हो मैं मेल गवाया बलराम जियो इंसान अपना चाल चलन नेक रखता कट खांदा कट सौंदा हक लाल दी कमाई ते गुजारा करता मालक दी बंदगी करता ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਇਹਦੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਮੈ ਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਹਰ ਗੁਜੜੀ ਲਾਭ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ निरपो पै मन होए हो मैं मेल गवाया बलराम जियो निर्मल पो पाया खर गुण गाया खर वेख राम हदूरे हर आत्म राम पसारिया स्वामी सर्ब रहा पर पूरे ਅਰਦੇਰਾ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅੰਦਰ ਹੈ ਦੇਖ ਜੋ ਲਿਆ ਘੱਟ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਕਿਆ ਸੱਚਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੋਸਤੀ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰਹੀ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਈਰਖਾ ਰਹੀ ਨਾ ਵੈਰ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਈਰਖਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੁਆਤ ਵਗੈਰਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਪਉ ਪਾਇਆ ਖਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਖਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸਵਾਮੀ ਸਰਬ ਰਹਾ ਪਰ ਪੂਰੇ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਲਾਵ ਚਲਾਈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਫਨਾ ਨੇ ਫਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ
मालक देखने आया खोरा नानक से अखड़िया बयान जिन्हें छिंदो मापरी वो अखोर है जदो खुल गई अंदर बाहर सारे मालक दिखन लग गया कट कट के बीच जर्रे जर्रे दिखन लग गया उसे कुदरती तय के अनहद बजते पे ने वो रस पीन लग गया अंदर शांति आ गई। हर तीजड़ी लाओ मन चाओ पया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया वड पागिया बलराम जियो। उंजा अंदर सतगुर सामने वो स्वरूप आन लग गया ओदे मुकाबले च कोई सोहनी ते अच्छी चीज नहीं ओनु छड्डन नूं दिल नहीं करदा जद अनहद सुनिया ओदे मुकाबले च कोई रस नहीं कोई अमृत नहीं कोई शांति देने वाली चीज नहीं बाहरली चीजा सब फिक्कियां लगन लग गया। जेड़ा मन बाहर नरदा पजदा सी वो अंदर नूं जान लग गया उत्थे ठहरन लग गया इहनूं शौक पैदा हो गया। पर कद जद वड्डे नसीबा करके कोई इच्छे पाग होण पूरा संत मिले बगैर कामल संत दे बगैर कामल साधु दे असली राह नहीं मिलदा। अपन लिया जे मिले बिछड़ के रोगन साध संत प्राप्त नानक रंग मानन अनेक जन बिछड़े दुख पाया मन में कर्म करे हंकारी साधु परसति प्रभ पाया गोविंद संत तुम्हारी बगैर संतां दे काम संतां दे राह नहीं मिलता। अनहद बाणी पूंजी संतन हथरा की पूंजी उन्होंने हाथ च है वह सानू तरीका दसते ने वह चाबी लाने का कि किस तरह से अनहद पकड़ना है। हाँ हर तीजड़ी लाओ मन चाओ पया उन्होंने कहा जिस वक्त को लैंड को आया राम नाम संतन कर पाया उन्होंने जरिए मिल सकता है। हाँ हर तीजड़ी लाव मन चाओ पया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया वड पागिया बलराम जियो। हूं चूंकि सारी चीज अंदर नजारे देखने लग गया ज्यो ज्यो अगे चलता है तो नई नई खुशी है नई नई नजारे ने नई नई लज्जत है नया नया आनंद है नया नया प्रेम है। निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वड पागी पाया हर कथिये अकथ कहानी। निर्मल हर किथे है ब्रह्म लोक त्रिलोक त्रिकुटी च जद उथे गया उथे जीव बोली है जीव बाणी है जेड़ी कहन सुन ते परे है जेड़ी ला बयान है जिदा कोई दुनिया च बयान हो ही नहीं सकता कोई मसाल ही नहीं दस नहीं सकते है कि चीज। एक महात्मा ने लिखे आत्म अनुभव ज्ञान कर जो कोई पूछे बाद गुंगे ने गुरखाया कहे कौन मुख स्वाद ने दसे की हो तो दसन तो परे है अजीब चीज है अजीब नजारे ने। हाँ पर कर मिल दिया जब कोई कम संत मिले। हाँ निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वड पागी पाया हर कथिये अकथ कहानी। हिरदे हर 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 तुन उपजी हर जपिये मस्तक पाग जियो जन नानक बोले तीजी लावे हर उपजे मन बैराग जियो। ब्रह्म देश दे अगे पार ब्रह्म दा देश है उथे सच्चा तीर्थ है नाम दा तीर्थ जिन्हें असीं कहने आ अड़सठ तीर्थ है नाम है कुल कट नारा जिहड़े सब पापां दे नाश करन वाला है आत्मा नूं साफ करन वाला है जिन्हें गुरु नानक साहिब ने जिन्हों अमृतसर किया है कबीर साहिब ने मानसरोवर किया है ऋषि मुनि ने प्राग किया है वो प्राग के अंदर है वो अमृतसर के अंदर है काय अंदर अमृतसर सत्य मन पीवे पाए सवाई हो कीड़ा पिंगला सुखमना तीन वसे एक ठाई बैणी संगम ते प्राग मन मंजन तेरे ते थाई ये जिते तीन नाड़ियों का संगम है इतने नाड़ियों का कोई तलक नहीं ख्याल इतने अखन के पिछे इकट्ठा करे बाहर उन्होंने तीन नदियां मिला के दिखाइया ने नमूना बाहर दसिया है लेकिन असली प्राग के अंदर है जब आत्मा उत्थे गई उहदे विच नाती जिन्हे दे पाप सी जिन्हे मैं सी सब साफ हो गया जिन्हे पर्दे सी सब लह गए तिन्ने शरीर पंजे तत
काम करो लोगों कार मन माया सब पढ़ते लह गए, आत्मा साफ हो गई। उस वे अपनी रोशनी 12 सूरज की है, 12 12 उगे सूर अनस बाजे अनहतूर। फिर इन होश आती मैं आत्मा, फिर पता लगता है मैं आत्मा, नहीं तो भुली भी है। फिर सच्चे बारात पैदा होता है कि मैं अपने सच्चे पति सच्चे परमेश्वर को जावा, उन्हें मिला। हाँ, हर चौथड़ी लाओ मन सहज पया, हर पाया बलराम जियो, गुरमुख मिलिया सुपाय हर मन तन, मीठा लाया बलराम जियो। आत्मा सतपुरुष दी अंश है, मन ब्रह्म दी अंश है। ब्रह्म देश के अग्गे नहीं जा सकता, इत्थों दे निकलिया है, लेकिन जद इस दुनिया जाना पैंदा आत्मा नूं नाल लैना पैंदा। इह उहना एजेंट है, काल एजेंट है, इहदा काम किया जीव नूं परमाणा ते पटकाउणा, विशें च पाउणा। फिर बादशाह सी का मालिक सी, वड्डी उच्ची हस्ती सी, मगर अपने आप नूं भुलिया है। जब आत्मा अगे गई तो ब्रह्म देश उत्थे ठहर जांदा, गुरु जा सकदा। हुण आत्मा कली है, सारे बंधन टुट गए। अगे तां परमाणा सी, हुण परमाणा ते परे होगी, हुण कोई परमाणा दी ताकत नहीं। हुण सच्चा बैराग पैदा हो गया कि मालक नूं मिला, मालक मिठा ते प्यारा लगन लग गया, ओह गुरमुख बन गया। हाँ, हर चौथड़ी लाओ मन सहज पया, हर पाया बलराम जियो, गुरमुख मिलिया सुपाय हर मन तन, मीठा लाया बलराम जियो। हर मीठा लाया मेरे प्रभु पाया, अनगिन हर लिव लाई, मन चिंदिया फल पाया स्वामी, हर नाम वजी वदाई। हुण अंदर मालिक है, सतगुर है, ओ प्यारा लगता है, हर वक्त लिव ओहदे नाल लगी पई है। जब ओहदे प्यार ओहदी लिव देखी तां सतगुर नूं ये प्यारा लगता है, सतगुर नूं ये प्यारा लगता है, सतगुर प्यारा लगता है। उहने गल नाल ला लिया, मन चिंदिया फल पाया, क्या गल ना ला लिया, असली आस पूरी हो गई। उत्थे दी रूहां इहनूं मुबारकबाद दिंदियां ने कि तन्न है तू जिहड़ा मोह माया दा तेज छड के विषय विकार छड के उहनूं नमस्कार करदियां ने। हां, हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया, अनगिन घर लिव लाई, मन चिंदिया फल पाया स्वामी, हर नाम वजी वदाई। हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, तन हृदय नाम विगासी, जन नानक बोले तो थी लावे, कर पाया प्रभ अविनाशी। सच्चा मालिक मिल गया, सच्चा नाम अंदर प्रकट हो गया, रूह खुशियां मनाउंदी है, हिरदा बाग बाग हो गया, इहदा आउणा जाणा मुक गया, नाशी पुरख मिल गया, ना हुण जमणा ना मरना, ना आउणा ना जाणा। हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, जिस तरह लड़के लड़की जिथे शादी करते हैं, इसी तरह आत्मा ते परमात्मा दा मेल हो गया। जिवें लड़के लड़कियां खुशियां मनाउंदे ने, इसी तरह ही रूह मालक मिलके खुशियां मनाउण लग गई। नामा ते बाद साडे आम तौर ते आनंद साहिब पढ़िया जांदा है, ਉਹ ਕਹਿਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰੇ ਹੈ ਬੋਲਦੇ।
जेडी लोकी तो पार है चौथे लोग कबीर हमारा गोविंद चौथे पद ने जिनकी जिन लोकी ते पार ब्रह्म देश से पार पार ब्रह्म को रिया समाए ब्रह्म देश से पार तो लोकी तक का दुख सुख ने सहज आनंद जेड़ा असली आनंद असली शांति है उस चौथे लोक है कहते कि उत्थे पहुंच गया ओ आनंद हासिल किया उन्होंने सानू जाहिर किया असि पढ़ते हाँ उन्होंने अपना ब्याह करा के आनंद लिया असि ब्याह नहीं कराया पै गीत गाते पे हाँ ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਆ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਗ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਰੀਆਂ ਨੱਚੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਓ ਪਰੀਆਂ ਨੱਚੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਾਗ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਘੰਟੇ ਸੰਗ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ
ਮਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿੰਗਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਬਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਘੰਟਾ ਜਾਗਾ ਸੁਣੀ ਚੌਕੁੰ ਕਿੰਗਰੀ ਜਾਣ ਲਾਗੇ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਗਰੀ ਬਜਾ ਕਿੰਗਰੀ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੱਥ ਰਹੇ ਬਿਲਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਜੇ ਬਾਜੇ ਪਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਸੁਣਾ ਲੇ ਬਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮਾਲਕ ਜੀ? ਸੋਚ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਸਿੰਧ ਪਿੱਛੇ ਅਸਰ ਵੇਦ ਵਿਖਾਣੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਨੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਿਓ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਿਨ ਅਵਰ ਸਿੰਘ ਉਰੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੀ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਨੀ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਹਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ।
राम नाम ने मुक्त है, यो के माही सिद्धि। राम नाम ने ये सभी रिद्धि सिद्धि और मोक्ष ऐसा इस चरणदास का सोच। केंद्र राम नाम पर विकास सिद्धियां शक्ति सब पीछे पीछे है, सब सुखा भगवान वाला है, सब शक्ति में मालिक है, सब रचना करने वाला। नाम सिधारे सगले जान, नाम सिधारे धन ब्रह्मांड, नाम सिधारे आकाश पाताल, नाम सिधारे सगला कर, सब प्रयोग करने वाला है। ऐसी शक्ति है वो, पहले सब सुखा भगवान वाला है। ये गोमदास ने अंदर चीज पर की नाम लिया था, उन्होंने संसार किया। ये किसी और पीर ने तो उन्हें जाहिर किया, ये मीरा ने तो ही कह दी है बोलता मैंने। हाँ पायो मेरे नाम रतन धन पायो, इसके पाए तू भूले मन आनंद रे समायो। किसकी चोरी कबू में होए ऐसो धन मेरे पायो, दिन दिन बढ़ते करता नहीं हो ऐसा नाम है, वो कटना है ही नहीं, वो बढ़ते ही बढ़ता है, वो कमी आउंदी नहीं, वो खुदा ही नहीं, ये खुद भंडार है। जो उन्होंने देखा उन्होंने इंतजार किया, जो गुरु अमरदास ने देखा तो उन्होंने इंतजार किया। असी आनंद लेना सी, असी पंच पंच जगह ने आनंद ना लिया, साधे समझाने वास्ते ऐसी आनंद की चीज है, उन्होंने हासिल करो हासिल करो हासिल करो। हाँ बोलता आनंद आनंद स्वामी मतलब समझा रहे की कहने हैं। हाँ असि की कहने हैं कि आनंद सुन लो, सारे सगल मनुख पूरे हो गए। वो की कहने कहने थे ऐसा आनंद पाया कि मेरे सारे केड़ा सारे काम पूरे हो गए। क्या पाया आनंद? कहने पाजन प्रभ पा लिया, वो सगले सब कुछ दूर करने वाला है, सगले मनुख पूरे करने वाला है। हाँ क्योंकि असि बाल मुखी असि बाल मुखी ला जाने। सुनो की कहने में। हाँ आनंद सुनो पार ब्रह्म प्रपाया, ब्रह्म देश के पार, त्रिलोकी के पार में पहुंच गए चौथे लोग पार ब्रह्म के। सारे तगड़े खत्म हो गए, त्रिलोकी तक दुख सुख ने दुखे दुख ने बल्कि सुख तो थोड़े देने हैं।
महात्मा जगजीवन साहब अंदर गए और लिखते ने पपीहा जाए पुकारे पंछे नागे रोए तीन लोग फिर आए हम मिन्नत लगे न कोई लोग लग दे गए कि शांति में सब दुखी ने सब दुखी ने सब दुखी ने सुख का देश चौथा लोग है जिन्होंने सत्खना नाम ही कहने हैं उसे सुख है वो सा देश है रोज सुन दिया ना सब दो वक्त सुन दिया किसे सगन में पूरे होए भी सुन के बोलो ओ ना मतलब उसे जावे तो पूरे होन उन्हें तो जाहिर कितने वैसी खुशी है हो बाणी रोज सुन दिया ठीक है ना दुख रोग संताप उग्र सुनी सच्ची बाणी ओ सच्ची बाणी है ओ सच्चा नाम है ओ सच्चा शब्द है या रोज सुनी वो बाणी सारी है सर सर है जुगा जुग से आ रही है गुरबाणी चौकुंठी सुनिए सचे नाम समाएगा रिधि वेद की तरह सारे है सच अंतरे सची बाणी सच आप पहचाने ना वे अंदर मिलती है बाहर नहीं और जुगा जुग से आंदी है बाणी वे चौं जुगी सचो सच सुनाए कहने जा दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी कहने मेरे सारे दुख दूर हो गए वो सची बाणी दे अंदर है बाहर ना बात अगे हो ही ना हा है लगी पई है पर कर मेरा संत साजन भाई सत्य पूरे गुरते जानी सत्य मतलब खुश हो जब कोई काम की मिलिया उन्हें जी खुश किया उन्होंने किमें खुश किया कोई माया ना ना पंचों ने हुक्म दिया पंचन किया तन मन दे प्यार छटे उन्होंने मेहर ना के ने मिले हाँ संत साजन भाई सत्य पूरे गुरते जानी कहते कभी सतगुरु लगया पूरे किन रोमत नानक गुरु कर लगे बाबे मन हर तूरे बाबे मन हर तूरे इसके बाद साढ़े अरदासा करने का मतलब यह होंगे कि मालिक तेरी मेहर है तेरी मेहर नाल फकीर मिलिया तेरी मेहर नाल मैं चल सकिया तेरी दात है और शुकराना करते ने असली असली चीज को भुले बैठे हैं असली दामा का मतलब यह है असली शादी का मतलब यह है कि दुनिया जिस तरह रहते हुए असली मालिक को मिल सकते और कोई तरीका नहीं ये कारोबार छेड़े तब नहीं गुजारा चलता तब नहीं गुजारा चलता कारोबार छेड़ नहीं चलता जब तक लेना देना मुके लेने देने मुकाने पैदे ने तब छुटकारा नहीं ये लेने देने मुकावे इस तरह दुनिया च ग्रीस ना पवित्र ख्याल ना रहे ते लेने देने मुकावे ते हक लालदा खावे ते फिर इस तरह जनान की प्राप्ति करे ये दा मतलब ये है सारी लावां दा हाँ जज फकीर आए उन्हें सानू आसान रास्ता दसिया साले सारे बंधन तोड़े मगर गलतफहमी होंगे उही फिर से अपने उही झगड़े फिर पहने गए थे मैं उन्हें भी ले आए नहीं भी पा रहे बोल नहीं पा रहे ये भी ना हो गए चल थोड़े ही ने पर भी ना हो चंजे निकले हम तो गवर्नमेंट भी चंगा करने लगी है
ना रूहानी तालीम ना इखलाकी तालीम। इखलाक तो बिल्कुल छड़ छड़े दुनिया ने
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ ਤੇਲ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਸਭ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸੱਤ ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਜਲਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਗੇ झगड़े मिट जाएंगे दुनिया खुशियां जो हम चैन नहीं किसी नु किसी लड़की का फिक्र पिया किसी कुछ फिक्र पिया किसी कुछ फिक्र पिया हां जी हां जी ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੱਚ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਚਾਰਾ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਿਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ ਜੇ ਬੁਲੀ ਪਿਆ ਤੇ ਗਿਰਨ ਦਾ ਹੀ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਬਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਅਜੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰੋ ਚਲੋ
क्रिश्चियन देखो दुखी ने, फकीर का हाल जाके देखो उन्होंने और दुखी ने। जिंदगी खुशी वाली है जिस तरह वरते खुशी देने वाली है, ये नाम है पूरा सतगुर जे मिले पूरी होगी जुगत असंध्या खलंध्या पीछे हो गए मुक्त, ये नाम है। दुनिया जी मेरा यह भी गुजारा हो गया क्योंकि दोनों खट जुए दुनिया का आनंद मिला जे तो तुम्हें मिला जे। हाँ हाँ जी बाहर नहीं, बाहर ग्रंथ शास्त्र की महिमा करते ने लेकिन चीज के अंदर है। संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे वह वाकुफ कारण की राह बतावे। जब तब तीर्थ व्रत करे वह तेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से भेटना हो बड़ी चीज है। बगैर काम कीर्ति नहीं राह मिलता। ये चार मिनट का सेवन भी काफी है, वो करोड़ा साल का भजन भी काफी है। बस इस नाम नु प्रगट करने सच्चा सौदा है। जिसने सच्चे नाम नु अंदर प्रगट कर लिया, सत नु प्रगट कर लिया, उन्हें सच्चा सौदा कर लिया। सच्चा सौदा हर नाम है सत व्यापारा राम, गुरमति हर नाम बन गया तू मूल अपारा राम। एक का वाणी एक गुर एक को शब्द विचार, सच्चा सौदा हर सच रतनी परे भंडार। जिसने इस सच्चे नाम नु प्रगट कर लिया, शब्द गुरु नु प्रगट कर लिया, उस नाथ ने सब तक नु प्रगट कर लिया। अब मन उठ सनातन हुआ तब जाने जब जीवित हुआ, जिंदा मरे अंदर से नाम न तलब किया तो न सनातनी है। जेड़ा ये शब्द तीर्थ नाले हो आ रही है, आदि मतलब श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ हो गए और आत्मा श्रेष्ठ हो गए। जिसने ये कर लिया, जिसने अंदर शब्द गुरु प्रगट कर लिया, वो राधा स्वामी है। राधा सुतनु कहने, स्वामी शब्द कहने, दोनों निवेदन राधा स्वामी। जिसने उस सच्चे नाम प्रगट कर लिया वो नामधारी है, नहीं तो बस डींगा डींगा बन गए तो सब कुछ, नहीं तो कुछ भी नहीं। कम तो यह करना सी नहीं, एक भक्ति असली जी छिपारे वाले बाकी कोई नहीं। हाँ पढ़ी जाना ग्रंथ शास्त्र पर विचार देने, मुसलमान गुरज सा पास आए भक्ति दुबारे कल चले तो उन्होंने फरमाया अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के बंदे। अल्लाह अगम
क्या मन बुद्धि की गमता तो करे उचित उच्चा परे तो परे अपार जिन सीखने बेअंत कहने कद मिलता दुनिया के सारे ख्याल कढ देने सब ख्याल तो साफ कर लैन किमें कर ओ पैखाक पीर मुसाफिर ये दरवेश कबूतर किसी कांत पीर दिशा ने जाओ तेन तरीका दसूगा उस तरह सिंह करी फिर तेन राह मिलेगा लेकिन सच नमाज अकीन मसला मनसा मार नवारो आसा दुनिया के आसर कुछ ने छड़ दे अंदरों सच्चे शब्द की कहो नाम की कहो सच्चे मालिक की कहो ओ बंदगी कर नमाज पढ़ ਕਿਵੇਂ ਪੜ ਅਕੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਖੜ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅਕੀਨ ਦੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਣਾ ਸਬਰ ਸਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਮ ਪਾਪ ਹੋਣਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਮੌਲਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਹ ਮਸੀਤ ਮਨ ਮੌਲਾਨਾ ਇਹ ਮਸੀਤ ਹੈ ਦੇਹ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪੜ ਇਹ ਨਾ ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਔਖਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਟਿਕਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏ ਮਨ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭਰਮ ਭਰਮ ਭਾਵ ਦਾਵੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਜੀਆ ਕੋਟ ਦਿਨ ਸਦਾ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਸਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜਿਨ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਪਾਸ ਕੇ ਬੀਤਣਾ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਡੇਡੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਢੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਜਲਦੀ ਦਾਨੀਏ ਚੜ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਊ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਸ ਫੇਰ ਨੀ ਤੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਕੱਲ ਖੁਦਾਈ ਪਾਰ ਕਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਈਸਾਈ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਲਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਂਗਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਂਗ ਇਹ ਮੁਸੀਤਾਂ ਚ ਬਾਂਗਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਂਗ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜੂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿਲੇ ਸੇਵਾ ਪਾਵ ਰਾਖੀਏ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬੈਠਾ ਪੁਰਸ਼ ਮਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀ ਨਾਲ ਤਾਲ ਜੁੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਮਰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਇਉਂ ਪੈਸੜਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੜੇ ਮੱਚ ਕੁੜਦੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸਕਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਨ ਦੇਖਿਆ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸੜੇ ਪਤ ਗੁੜਦੀ ਇਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੜਦੇ ਖਾਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਡੀ ਕੱਗ ਹੈ ਉਹ ਫੋੜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਨੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਐਡੇ ਉੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਊਚ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੀ ਉਹ ਚ ਜਿੰਨੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ ਉਗਾ ਲਓ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਜੂਗੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਦਤ ਰੱਖੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੂ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਈ ਜਾਏ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੀ ਹੋਊਗੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲੱਗੂਗੀ ਮਗਰ ਉਹ ਹੀ ਦੌੜੇ ਜੇ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਦੌਲਤ ਕੇ ਐ ਦੀਵਾਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋਗਾ ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਾਥ ਹੋਗਾ ਦੌਲਤ ਸਾਹਮਣੇ
हटा ले जो पाग बच रहे हैं भक्ति में वो लगा ले। वो क्या इतनी खराब हो जाता है, पहले तो इतनी शांति नहीं जाके देख लो क्या नहीं किसे नूं आगे मौत दे वक्त। पापां दी कमाई दा अंत समय असर। जद मैं लड़ाई विच गया एक द्रोगा कमस्ट्रेट सी, उसने जानवरां दे राशन विचों कोई लख रुपया लांदा। जद मौत आई ता कहंदा ए कि ए गाय सिंह मार दिए ओ गाय सिंह मार दिए। इसी तरह एक और शख्स दा जिक्र है, वो पुलिस विच इंस्पेक्टर सी, जद मौत आई ता कहंदा ए काके दी मां देख जमदूता ने हाथ साड़ दे ने। इदा ऑटोमेटिक सिस्टम कम के चलदा पिया है। वो सामने आंदे ने ओ पाप आप इत्थी खान लग जांदे ने, जिंदगी च खान लग जांदे सामने पाप। ए तां की मौत दे वेले तां होणी सी, इत्थी खान लग जांदे। हां होया असि जो जो कर्म करदे हां सानू भोगने पैंदे ने पैंदे ने। हां खराब होगा जब सामने तक